वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट वीडियो में इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। हमने एक डेटाबेस बनाया था जो हमारे सारे नोड्स को इकट्ठा करेगा, और उस डेटाबेस में हमने ये सारे प्रॉपर्टीज डाले थे, सब्जेक्ट, लास्ट रिव्यू, लर्निंग लेवल, नंबर ऑफ टाइम्स रिव्यूड, सो दैट वी विल बी एबल टू ट्रैक की इन ये नॉलेज के होते हुए कि सब कब पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, कितना सीखा है, उसके हिसाब से अगली बार आपको कब ये रिवाइज करना चाहिए। तो आगे का फॉर्मूला बनाने के लिए कि कब आपको ये रिवाइज करने का फॉर्मूला बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेप है, आपको वेट्स का फॉर्मूला बनाना है। तो वेट्स का जो फॉर्मूला का जो पर्पस है वो कि जो लर्निंग लेवल को आपको नंबर में कन्वर्ट करेगा। फ्रेश है तो 0.3 डालना है, लर्निंग है तो 0.6 डालना है, और इफ यू नो इट बाय हार्ट तो उसको 1 डालना है। तो नहीं भी समझ में आ रहा तो आप इसको फिलहाल ब्लाइंडली फॉलो अप करें, ऑटोमेटिकली उसका यूज क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक वेट्स कैटेगरी डालनी है, उसमें एक फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला डालना कि मैं दिखा रहा हूं कैसे डालते हैं। तो प्लस पे क्लिक किया, वेट्स पे गए, वेट्स टाइप किए, टाइप करने के बाद आ गया डिफॉल्ट, फिलहाल वो टेक्स्ट ले रहा है, लेकिन टेक्स्ट नहीं, मुझे उसको फॉर्मूला डालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। F4 टाइप किया तो ऑटोमेटिकली आ गया कि फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला एडिट बटन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला पे फॉर्मूला का एक्चुअल टेक्स्ट डाल सकते हैं, रूल्स। तो हम चाह रहे हैं कि जब मेरा लर्निंग लेवल फ्रेश था तो आउटपुट हो, फ्रेश पे आउटपुट हो 0.3 और लर्निंग पे आउटपुट हो 0.6 और दूसरा वाला पे आउटपुट हो 1। तो यहां पे मैं फॉर्मूला डालता हूं इफ, तो इफ पूछा था इफ व्हाट कह रहा था। यहाँ पे सिंटेक्स ये है कि आपको कुछ कंडीशन डालनी है, और अगर वो ट्रू होगा तो इफ का जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो प्रिंट होगा, और अगर इफ जो कंडीशन आपका फेल होता है तो थर्ड आर्गुमेंट प्रिंट होगा। तो इफ मेरा कंडीशन ये है कि जो लर्निंग लेवल जो था, तो ये लर्निंग लेवल मैंने क्या, अगर इक्वल टू फ्रेश तो क्या होनी चाहिए 0.3, एल्स मैं कह रहा हूं वो होनी चाहिए फिलहाल 1, और पे हम डन पे कर देंगे। तो देख रहे हैं मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर मैं फ्रेश, अगर लर्निंग लेवल मेरा फ्रेश है तो यहाँ पे 0.3 आ रहा है, एल्स 1 आ रहा है। यहाँ पे इसको लर्निंग कर देंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं लर्निंग पे 0.6 हो, तो इसको हम कह रहे हैं फिर चेंज करते हैं। तो सेम फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे और फॉर्मूला के अंदर एक फॉर्मूला डालेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट कि फ्रेश है तो 0.3 बनेगा, एल्स अगर मेरा वो लर्निंग है, लर्निंग है तो उसको हम कहेंगे 0.6 बनेगा। ठीक है, इस पर ट्राई करके देखते हैं डन करके। तो अब देख रहे हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली लर्निंग है तो 0.6 बन रहा है, फ्रेश है तो 0.3 बन रहा है, और हम चाहते हैं कि जो अगला कैट जो वैल्यू है नो इट बाय हार्ट उस पे 1 आए, लेकिन वो चेक करे कि वो नो इट बाय हार्ट है कि नहीं। तो इसको हम फॉर्मूला में जाते हैं, तो एल्स जो एल्स वहां पे 1 आ रहा था, इस पे हम एक और अनसाइड एक फॉर्मूला डाल देते हैं कि एल्स मेरा अगर नो इट बाय हार्ट आता है तो आप उसको दीजिए 1, एल्स आप कुछ एरर प्रिंट कर दीजिए।
एल्स जीरो डाल देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो बेसिकली इस कैटेगरी को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, और वो हम नंबर बाद में यूज करेंगे जब हम ये फॉर्मूला बनाएंगे कि आपको कब एक्चुअली रिवाइज करना है। तो चेक करते हैं कि नो इट बाय हार्ट है तो 1 दे रहा है, लर्निंग है तो 0.6 दे रहा है, फ्रेश है तो 0.3 देगा। ठीक है, तो अब इसका हम इसका क्या करें भाई वेट का, आगे हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे इस वेट का हम कर रहा है यूज कैसे है। हम एंड में हम चाहते क्या है, एंड में हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर नोट हमने बनाया और हमने उसको बता रखा है कि हम कि लास्ट टाइम हमने अगस्त 3 को रिवाइज किया है और ये फ्रेश कैटेगरी में रखना चाहता हूं मैं, और एक बार रिवाइज किया है तो अगली बार मुझे इसको कब रिवाइज करना है। ओके, तो ये अगले वीडियो में बताते बताते